बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, एक समय ये तीनों देश एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1947 और 1971 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता कुछ ऐसा है जिसे कोई नाम देना मुश्किल है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे दूर हो गया और भारत ने बांग्लादेश का हाथ आखिर कैसे थामा। बांग्लादेश में आजादी की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल कर भारत को बड़ा सम्मान दिया, लेकिन पाकिस्तान से दूरी बनाकर रखी। कभी पाकिस्तान का हिस्सा रहा बांग्लादेश, अब उससे दूर जा चुका है। इसके पीछे एक क्रूर इतिहास है। बांग्लादेश अब भारत के साथ मिलकर एक नई राह तय करना चाहता है। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। बांग्लादेश की आजादी के मौके पर दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने वीडियो संदेश भेजा, लेकिन पाकिस्तान के पीएम इमरान खान इससे दूर रहे। उन्होंने सिर्फ एक बयान जारी किया। We would like to fortify our existing bonds with brotherly Bangladesh and build new ones for our succeeding generations. Let us renew our resolve to jointly work for a better future. Pakistan, विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से आई हैं। अमेरिका में रह रहे बांग्लादेशियों ने पाकिस्तानी दूतावास के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि 1971 के नरसंहार के लिए पाकिस्तान को बांग्लादेश से माफी मांगनी चाहिए। इनका आरोप है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट के जरिए बहुत जुल्म किया था। We demand the international recognize of the genocide and punishment of the Pakistani army. The Pakistan carried out genocide of Bangladeshi people. 1971 से पहले जब बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, तब उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान की निगरानी में पाकिस्तान की सेना ने मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट को अंजाम दिया था। तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में उठ रही आजादी को कुचलने वाले सैन्य अभियान को ऑपरेशन सर्चलाइट कोड नेम दिया गया था। इस हमले के पीछे का प्लान ये था कि पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पर 26 मार्च को कब्जा कर लिया जाए और चुनावों में भारी सफलता हासिल करने वाले बंगाली विपक्ष को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तानी सेना ने बंगाली बुद्धिजीवियों, राष्ट्रवादियों और हिंदुओं को जमकर निशाना बनाया था। बांग्लादेश के आजादी के जश्न के मौके पर पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन के दौरान ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र किया। एक निरंकुश सरकार अपने ही नागरिकों का जनसंहार कर रही थी। उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट की उस क्रूरता को, दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उतनी चर्चा नहीं की है जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता बड़ा अजीब है। दोनों के बीच का रिश्ता ये क्या कहलाता है, ये इमरान खान भी नहीं समझ पा रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।